अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हमल को रोकने के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो नॉन मेडिकल तरीका होता है, जिसमें हम दवाई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा जो तरीका है वो मेडिकल है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो हमल को रोकने का तरीका है, उसमें हम ऐसे छोटा मोटा प्रोसीजर करते हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास क्लिनिक पे जाना पड़ता है, जिसमें हम कॉपर्टी रखते हैं या अगर हमने बाजू में कोई कैप्सूल वगैरह रखवाना है, कोई आपने प्रोसीजर करवाना है, तो आपको इस प्रोसीजर के लिए तरीके के लिए आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। हमल को रोकने का जो चौथा तरीका है परमानेंट तरीका होता है, इसमें हम छोटा सा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके जरिए हम ट्यूब्स को टाई कर देते हैं, जिससे हमल परमानेंटली तौर पर रुक जाता है और इसके रिवर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं आपको अपनी इसी वीडियो के साथ तफसीलन। हम इस अलग-अलग एक एक प्रोसीजर पे, एक एक टॉपिक पे नेक्स्ट हम तफसीलन बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।